नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एचपी एग्जाम अफेयर्स में। आज हम सोलन डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं जो भी हिमाचल के डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए हैं। अगर आपको सोलन डिस्ट्रिक्ट के ऊपर एक डिस्क्रिप्टिव लेक्चर देखना होगा तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पर मैंने सोलन डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हर एक चीज़ जो है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पढ़ा रखी है। अगर आप उस लेक्चर को देखने के बाद इस एमसीक्यू को अटेम्प्ट करते हो तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बाकी हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम सोलन डिस्ट्रिक्ट के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नालागढ़ वॉज द ब्रांच ऑफ विच प्रेस्टी स्टेट। तो जो नालागढ़ है वो किस रियासत की शाखा थी, तो बताइए किसकी शाखा थी, कुनिहार की, कहलूर की, कुटलैड़ की या क्योंथल की। इसमें कहना चाहते हैं जो नालागढ़ रियासत थी वो कौन सी रियासत के अंडर आती थी। तो फर्स्ट राइट आंसर क्या है, फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है कहलूर। तो कहलूर किसे बोलते हैं, प्रेजेंट में आप जो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट देखते हो उसका एंशियंट टाइम में क्या नाम था, वो था कहलूर। यहाँ पर नालागढ़ दिया है, नालागढ़ को एंशियंट टाइम में हिंडूर बोलते थे, तो ये भी याद रखना, नालागढ़ रियासत को एंशियंट टाइम में हिंडूर बोलते थे। वैसे कहलूर को जो है अभी क्या बोलते हैं, बिलासपुर। एंशियंट टाइम में बिलासपुर को कहलूर कहते थे। तो जो कहलूर रियासत है उसके अंडर नालागढ़ रियासत आती थी। क्यों आती थी, क्योंकि जो कहलूर के राजा थे, राजा कहलचंद, उन्हीं के बेटे ने जो जिनका नाम अजीत चंद था, उन्होंने जो है नालागढ़ रियासत की स्थापना की थी, यानी हिंडूर रियासत की स्थापना की थी। इस वजह से जो हिंडूर है वो कहलूर के अंडर आती थी। तो फर्स्ट राइट आंसर क्या है, जो लालगढ़ है वो कौन सी रियासत के अंडर आती थी, कहलूर रियासत के अंडर आती थी। सेकंड देखिए, हु फाउंडेड द प्रिंसली स्टेट ऑफ हिंडूर नालगढ़। तो हिंडूर नालगढ़ रियासत की स्थापना किसने की थी, तो अभी मैंने आपको आंसर बताया था, वीरचंद ने की है, हरिचंद ने, अजय चंद ने या अहलचंद ने। तो बताइए जो नालागढ़ है जिसे हिंडूर भी बोलते हैं, तो हिंडूर रियासत की स्थापना किसने की थी, सेकंड का जो राइट आंसर है वो है अजय चंद। कहीं कहीं अजय चंद लिखा है, कहीं अजीत चंद भी आपको देखने को मिलेगा। तो जो नालागढ़ रियासत है उसकी स्थापना किसने की है, वो है अजय चंद ने की है, या अजीत चंद बोल दो। सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन सी है। थर्ड है, विच किंग मेड नालागढ़ द कैपिटल ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ हिंडूर। तो किस राजा ने नालागढ़ को हिंडूर रियासत की राजधानी बनाया था, तो बताइए कौन से ऐसे राजा थे जिन्होंने नालागढ़ को हिंडूर रियासत की राजधानी बनाया था। तो रामचंद्र, विक्रमचंद्र, विजयचंद या आलमचंद। तो हिंडूर रियासत के कौन से राजा थे जिन्होंने नालागढ़ को हिंडूर की राजधानी बनाया था, इसका जो राइट आंसर है वो है विक्रमचंद। तो विक्रमचंद थे, ये हिंडूर रियासत के राजा थे जिन्होंने नालागढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। तो हिंडूर की राजधानी नालागढ़ को किसने बनाया था, विक्रमचंद ने। जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे सोलन डिस्ट्रिक्ट की, तब आप इजीली इन चीज़ों को कवर करोगे और ऐसे क्वेश्चन को जो है आप इजीली आंसर भी कर पाओगे। तभी मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको डिस्क्रिप्टिव लेक्चर का लिंक दे रखा है, उसमें मैंने सोलन डिस्ट्रिक्ट की कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ा रखी है, उसमें सारे राजाओं के बारे में बता रखा है। तो अगर आप उसको लेक्चर को देखोगे तो उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। फोर्थ देखिए, विच किंग ऑफ हिंडूर अटैक्ड कहलूर एंड कॉन्कर्ड फतेहपुर, रतनपुर एंड बहादुरपुर। तो हिंडूर के किस राजा ने कहलूर पर आक्रमण कर फतेहपुर, रतनपुर और बहादुरपुर किले पर कब्जा कर लिया। अब आपको बताना है जो हिंडूर रियासत है उसके ऐसे कौन से राजा थे जिन्हें कहलूर यानी बिलासपुर पर हमला किया और फतेहपुर, रतनपुर और बहादुरपुर किले पर अपना कब्जा कर लिया था। तो बताइए हिंडूर के वो राजा कौन थे, रामचरण सिंह, मानचंद, विजय सिंह या उगार सिंह। तो फोर्थ का राइट आंसर क्या है, फोर्थ का जो राइट आंसर है वो है रामशरण सिंह। तो जो रामशरण सिंह थे ये हिंडूर के राजा थे जिन्होंने कहलूर यानी बिलासपुर में हमला करके फतेहपुर, रतनपुर और बहादुरपुर किले पे कब्जा कर लिया था। तो फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन ए है। फिफ्थ देखिए, हु वॉज द रूलर ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ हिंडूर व्हेन तैमूरलंग इन्वेडेड इंडिया। जब तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया उस समय हिंडूर रियासत के शासक कौन थे, तो बताइए हिंडूर के राजा कौन थे उस समय, रामचंद, आलमचंद, विजय सिंह या विक्रमचंद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हिंडूर रियासत के राजा कौन थे जब तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया था। तैमूरलंग ने भारत पर जो आक्रमण किया था वो 1398 के अराउंड किया था, तो उस समय राजा कौन थे हिंडूर के, वो थे आलमचंद। तो आलमचंद थे, उन्होंने तैमूरलंग की हेल्प भी की थी, इस वजह से जो तैमूरलंग थे उन्होंने उनकी रियासत पर अटैक नहीं किया था। तो उस समय हिंडूर के राजा कौन थे, आलमचंद थे, जब तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच किंग ऑफ हिंडूर बिल्ड द फोर्ट ऑफ रामगढ़ एंड मेड रामशहर हिज समर कैपिटल। तो हिंडूर के किस राजा ने रामगढ़ का किला बनवाया और रामशहर को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। तो बताइए हिंडूर के वो राजा कौन थे जिन्होंने रामगढ़ का किला बनाया और रामशहर को समर कैपिटल बनाया था, अजय चंद ने, राजा रामशरण ने, रामचंद ने या आलमचंद ने। तो सिक्स्थ का जो राइट आंसर है वो है रामचंद। अब देखिए नाम में ही राम आ रहा है, तो इन्होंने जो है रामगढ़ का किला भी बनाया था और रामशहर को अपना ही समर कैपिटल यानी ग्रीष्मकालीन राजधानी भी इन्होंने बनाया था। तो सिक्स्थ का राइट आंसर ऑप्शन सी है, रामचंद ने जो है रामगढ़ किला बनाया और रामशहर को अपनी समर कैपिटल बनाया, ये हिंडूर के राजा थे। एट्थ क्वेश्चन देखिए,
गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा सरेंडर्ड ऑन मई 15, 1815 इन द फोर्ट नेम्ड मलौंड ऑफ विच प्रिंसली स्टेट। तो कहना चाहता है गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने किस रियासत के मलौंड नामक किले में 15 मई 1815 को आत्मसमर्पण किया था। तो कहां पर सरेंडर किया था इन्होंने, मलौंड नामक किला। आपको बताने कौन सी रियासत के अंडर आता था, बेजा, कुनिहार, हिंडूर या मलोग। तो एट का राइट आंसर क्या है, एट का जो राइट आंसर है वो है हिंडूर। तो हिंडूर रियासत के अंडर आता था ये मलौंड फोर्ट, और यहीं पर जो है अमर सिंह थापा इन्होंने सरेंडर किया था। तो आपको पता है ब्रिटिशर्स और जो गोरखा थे उनके बीच में युद्ध हुआ था 1814-15 में, और 1815 में जो है आपके गोरखा हार जाते और जो ये अमर सिंह थापा होते हैं गोरखा के कमांडर होते हैं, जो मई 15, 1815 में मलौंड नामक किले में जो है सरेंडर करते हैं। और ये आपका कहाँ पड़ता है, ये हिंडूर में पड़ता है ये किला। एट का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नाइन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रेजेंट सोलन डिस्ट्रिक्ट। तो निम्नदेशी रियासतों में से कौन सा वर्तमान सोलन जिले का भाग नहीं है। अब जब हम सोलन की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें हम कुछ रियासतों के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि वो रियासतें अगर आप प्रेजेंट में देखो सोलन डिस्ट्रिक्ट जहाँ पड़ती है वहाँ पर ये रियासतें होती थी। जैसे मैं नाम बताता हूँ आपको, भागल हो गई, भगाट हो गई, कुनिहार हो गई, कुठार, बंगल, बेजा, महलोग, नालागढ़, ये जो रियासतें थी ये आपके सोलन डिस्ट्रिक्ट के वहाँ पर आती, जहाँ पर आप प्रेजेंट सोलन डिस्ट्रिक्ट आज देखते हैं वहाँ पर ये रियासतें होती थी, तभी हम इनकी हिस्ट्री पढ़ते हैं। तब इसमें पूछा गया था, इसमें पूछा कौन सी जो प्रिंसली स्टेट है वो सोलन का पार्ट नहीं है, यानी प्रेजेंट में आप सोलन डिस्ट्रिक्ट देखोगे वहाँ पर ये आपकी रियासत नहीं पड़ती। मांगल, बेजा, थरोच या बागल। तो नाइन्थ का राइट आंसर क्या है, वो है थरोच। तो थरोच रियासत आपकी प्रेजेंट जो सोलन डिस्ट्रिक्ट पड़ती है वहां पर नहीं पड़ती, बल्कि मांगल, बेजा, भागल ये सारी आपकी पड़ती है, जो आपकी बगाड़ थी, कुनियार थी, बेजा थी, मलोक थी, नालागढ़ थी, सारी वहां पर पड़ती है सोलन डिस्ट्रिक्ट में, जो थरोच है ये नहीं पड़ती। तो नाइन्थ राइट आंसर ऑप्शन सी है। टेंथ क्वेश्चन देखिए, मांगल, वेजा, हिंडूर, भागल, बगाट, कुठार, मलोग आर करेंटली अ पार्ट ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट। अभी मैंने आपको बताया ये सारी रियासतें कहाँ पड़ती है, सोलन डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। तो इसका राइट आंसर क्या है, सोलन। तो किसका पार्ट है, सोलन का पार्ट है ये सारी रियासतें। जब हम डिस्क्रिप्टिव लेक्चर कवर करेंगे, यानी आप डिस्क्रिप्टिव लेक्चर देखोगे उसमें आपको दिखेगा, जब मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो मैं इन्हीं रियासतों के बारे में बताता हूँ, क्योंकि ये आपकी सोलन डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। तो इन रियासतों के संस्थापक कौन थे, लास्ट राजा कौन थे, इनके जो राजा थे उन्होंने क्या काम किए थे, जो एग्जाम में आते हैं, तो वो सब चीज़ें जो है एग्जाम में पूछी जाती है सोलन डिस्ट्रिक्ट का, अगर कोई क्वेश्चन आता है। तो टेंथ का राइट आंसर क्या है, ये सारी रियासतें कहाँ पड़ती है, सोलन में पड़ती है। अब देखिए, हु फाउंडेड द प्रिंसली स्टेट ऑफ मलोग। तो मलोग रियासत की स्थापना किसने की थी, अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा है, क्योंकि मलोग रियासत जो है आपकी सोलन डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। तो मलोग रियासत की स्थापना किसने की, वीरचंद ने, दुनीचंद ने, जगत चंद ने या रामचंद ने। तो इलेवंथ का राइट आंसर क्या है, इलेवंथ का जो राइट आंसर है वो है वीरचंद। अब अगर आप जो है डिस्क्रिप्टिव लेक्चर उसको देखोगे, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक देखा उसे जरूर देखना, उसके बाद आपका एक भी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा, इसलिए आप सारे क्वेश्चन जो है उन्हें अटेम्प्ट कर पाओगे। और अगर अभी आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो इसका मतलब आपने अच्छे से तैयारी नहीं की है, आपको तैयारी करने की ज़रूरत है, तभी जो है आप इन क्वेश्चन को सही कर पाओगे। और हिस्ट्री ऐसी है, बहुत वास्ट है अगर पढ़ने लगो तो, क्योंकि इतने सारे राजा हैं जिनके बारे में याद करना तो मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे रिविजन जितना करते जाओगे उतना ही आपको याद होगा, तो बार बार पढ़नी पड़ेगी। हिमाचल जी की बुक 2-3 बार भी पढ़ ली तभी मैं कहूँगा जो चीज़ें आप भूल जाओगे। तो रिविजन बहुत ज़रूरी होता है, जितनी बार पढ़ सको उतनी बार तो पढ़ना ही पढ़ना, और एग्ज़ाम से पहले तो जो है अपने नोट्स जो भी बनाए होंगे वो ज़रूर पढ़ना। 12 देखिए, हु फाउंडेड द प्रिंसली स्टेट ऑफ कुठार। अब कुठार रियासत है, इसकी स्थापना किसने की थी, वीरचंद ने, विधिचंद ने, जयचंद ने या सूरजचंद ने। तो बताइए कुठार रियासत ये आपकी सोलन डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पर पड़ती है। तो कुठार रियासत की स्थापना किसने की थी, 12th का जो राइट आंसर है वो है सूरजचंद। तो जो सूरजचंद थे इन्होंने कुठार रियासत की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखिए, हु फाउंडेड द प्रिंसली स्टेट ऑफ कुनिहार इन 1154 AD। अब इसमें कुनिहार रियासत है, ये भी आपकी सोलन डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर है वहाँ पड़ती है। तो बताइए कुनिहार रियासत के संस्थापक कौन थे, मैंने आपको बोला जो संस्थापक होते हैं वो तो याद करने पड़ेंगे, उनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो कुनिहार रियासत के संस्थापक कौन है, अबोजदेव, रामदेव, वीरचंद या सूरजचंद। तो 13th का राइट आंसर क्या है, 13th का जो राइट आंसर है वो है अबोजदेव। अब सूरजचंद तो मैंने आपको पहले बताया था कि इसके कुठार रियासत के, तो ये ऑप्शन कट कर दो। अब बताइए कौन थे कुनिहार के संस्थापक, वो थे अबोजदेव। 13th का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 14 देखिए, विच एरिया ऑफ सोलन डिस्ट्रिक्ट वॉज नोन एज मिनी इंग्लैंड ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। सोलन जिले के किस क्षेत्र को जो है मिनी इंग्लैंड कहा जाता था ब्रिटिश काल में। तो किसे कहते थे, कुनिहार को, अर्की को, कंडाघाट को या चायल को। तो बताइए सोलन डिस्ट्रिक्ट
को कौन सा एरिया था जिसे ब्रिटिश काल में मिनी इंग्लैंड कहते थे? तो 14 का जो राइट आंसर है वो है कुनिहार। तो जो कुनिहार है इसे ब्रिटिश पीरियड में मिनी इंग्लैंड भी कहते थे। अच्छा क्वेश्चन है। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन ए कुनिहार है। कुनिहार को मिनी इंग्लैंड कहते थे ब्रिटिश पीरियड में। अगर आप हिमाचल प्रदेश में किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो नीचे हमारे ऐप का लिंक भी मिल जाएगा, उसमें मैंने जो है हिमाचल के सभी कोर्सेज कवर कर रखे हैं, चाहे पुलिस हो, पटवारी हो, फॉरेस्ट गार्ड, हर एक एग्जाम का आपको कोर्स मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर, रिकॉर्डेड लेक्चर, सब चीज़ जो है उसमें हमने डाल दी है। कोई भी अदर सोर्स आपको फॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो एक कंप्लीट सोर्स रहेगा, जैसे आप ये देख रहे हो सोलन डिस्ट्रिक्ट के एमसीक्यू, ऐसे हर एक डिस्ट्रिक्ट के एमसीक्यू हैं, टॉपिक वाइज एमसीक्यू मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव लेक्चर्स मिल जाएंगे, हर एक चीज़ जो है कोर्स में आपको मिल जाएगी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे रखा है, वहाँ से आप कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो। 15 देखिए, बिफोर ज्वाइनिंग पंजाब इन हिमाचल प्रदेश इन 1966, कंडाघाट वॉज पार्ट ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब? तो 1966 में हिमाचल प्रदेश में पंजाब से मिलने से पूर्व कंडाघाट पंजाब के किस जिले का हिस्सा था? तो बताइए, जो कंडाघाट है ये 1966 में हिमाचल में मिलाया जाता है। तो उससे पूछ रहा है कि कंडाघाट 1966 से पहले पंजाब की कौन सी डिस्ट्रिक्ट का पार्ट था? अंबाला का, होशियारपुर का, कुरुक्षेत्र का या गुरदासपुर का? तो बताइए, जो कंडाघाट है ये 1966 में हिमाचल प्रदेश में मिलाया जाता है, मगर पूछ रहा है उससे पहले ये जो पंजाब था उसकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट का पार्ट था? तो 15 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है अंबाला। तो अंबाला डिस्ट्रिक्ट के अंडर आता था कंडाघाट। जो आपका नालागढ़ है ये भी आपका किसके अंडर आता था? ये भी जो है अंबाला के अंडर ही आता था। तो 1966 में नालागढ़ और कंडाघाट दोनों जो है ये हिमाचल प्रदेश में मिला दिए जाते हैं। 15 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 16 है, विच हिल प्रिंसली स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज एनेक्स्ड बाय लॉर्ड डलहौजी टू द ब्रिटिश एम्पायर बाय द पॉलिसी ऑफ लैप्स? तो हिमाचल प्रदेश के किस पहाड़ी रियासत को लॉर्ड डलहौजी ने लैप्स की नीति के द्वारा अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया था? तो अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको वो रियासत बतानी है जिसे लॉर्ड डलहौजी ने, उनकी एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स करके एक नीति थी जिसके तहत अगर कोई भी रियासत होगी उसका जो राजा होगा, अगर उसका कोई बच्चा नहीं होगा और उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो जो रियासत है किसके अंडर चली जाती है? अंग्रेजों के अंडर चली जाती है। तो ऐसी इकलौती रियासत थी हिमाचल प्रदेश की जो अंग्रेजों के अंडर आ गई थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति से। तो वो कौन सी थी? बागाट, भागल, कोठी या कुठार? तो 16 का जो राइट आंसर है वो है बागाट। तो जो बागाट रियासत थी इसके राजा कौन थे? इसके राजा थे विजय सिंह। उनका कोई भी पुत्र नहीं होता और उनकी मृत्यु हो जाती है, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये नीति थी लॉर्ड डलहौजी की, उसके अंडर जो बागाट रियासत है ये अंग्रेजी साम्राज्य के अंडर आ जाती है। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन ए, बागाट ऐसी इकलौती रियासत थी हिमाचल प्रदेश की। क्वेश्चन को याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 17 है, राजा दुर्गा सिंह वॉज द लास्ट रूलर ऑफ विच प्रिंसली स्टेट? राजा दुर्गा सिंह कौन सी रियासत के आखिरी शासक थे? तो बताइए, जो राजा दुर्गा सिंह थे वो कौन सी रियासत के आखिरी राजा थे? बगाट के, सुकेत के, चंबा के या नालागढ़ के? तो 17 का राइट आंसर क्या है? 17 का जो राइट आंसर है वो है बगाट रियासत। तो जो बगाट रियासत थी इसके लास्ट राजा कौन थे? वो थे राजा दुर्गा सिंह। 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 18 है, विच राजा ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ बागाट रिप्रेजेंटेड द हिल प्रिंसली स्टेट ऑफ शिमला इन द नरेंद्र मंडल फ्रॉम 1924 टू 1933? तो एक नरेंद्र मंडल था, उसमें प्रतिनिधित्व किया था कौन से राजा ने किया था? बागाट के कौन से राजा ने? उनका नाम पूछा जा रहा है। तो नाम आपको डायरेक्टली बताता हूँ, जो राजा दुर्गा सिंह थे ये लास्ट राजा भी थे बागाट के, और इन्होंने ही जो है किसमें पार्ट लिया था? नरेंद्र मंडल हुआ था, कब? शिमला में हुआ था 1924 से 1933 के बीच में, उसमें इन्होंने जो है पार्ट लिया था। तो 18 का राइट आंसर कौन थे? वो बागाट के कौन से राजा थे? राजा दुर्गा सिंह। 19 है, सोलन वॉज द कैपिटल? तो सोलन राजधानी थी। तो बताइए, सोलन किसकी राजधानी थी? बज्जी रियासत की, बागाट की, बादल की या गूंड रियासत की? तो 19 का राइट आंसर क्या है? 19 का जो राइट आंसर है वो है बागाट रियासत। तो जो सोलन है आपकी वो कैपिटल किसके थी? वो बागाट रियासत की कैपिटल थी। अभी आप सोलन शहर जो देखते हो किसके अंडर आता था? बागाट रियासत के अंडर आता था। 19 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 20 है, सुबाथु टाउन वॉज फॉर्मली अ पार्ट ऑफ विच प्रिंसली स्टेट? तो जो सुबाथु कस्बा है वो पूर्व में किस रियासत के भाग था? तो बताइए, किसका पार्ट था? बागाट का, भागल का, मलोक का या बेजा का? 20 का राइट आंसर क्या है? 20 का जो राइट आंसर है वो है बागाट। तो जो बागाट रियासत थी उसी के अंडर जो है सुबाथु टाउन आपका आता था। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 21 है, द फॉर्मर डायनेस्टिक स्टेट्स ऑफ भागल एंड बागाट वेर अ पार्ट ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? तो अभी मैंने आपको बताया इतनी सारी रियासतें थी सोलन डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जैसे कि भागल होगी, बागाट होगी, कुनियार, कुठार, मंगल, बेजा, महलोक, नालागढ़, ये सब किसके? सोलन के अंडर आती थी। तो इसी में आपसे पूछा है जो बागाट और भागल है किसके अंडर आती थी? ये आपकी सोलन डिस्ट्रिक्ट के अंडर ही आती थी। तो इजी सा क्वेश्चन है, 21 का राइट आंसर ऑप्शन सी है।
22 है, हु फाउंडेड द प्रिंसली स्टेट ऑफ भागल। अब आपको बताना है जो भागल रियासत है उसकी स्थापना किसने की थी, संपूर्ण देव, नामदेव, अजय देव या बाल देव। अब क्लर्क का एग्जाम था उसमें क्वेश्चन आया हुआ है कि भागल रियासत की स्थापना किसने की थी, तो 22 का राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है अजय देव। तो जो अजय देव थे इन्होंने भागल रियासत की जो है स्थापना की थी। एक अबोज देव थे उन्होंने कुनिहार रियासत की स्थापना की थी, ठीक है, अबोज देव ने कुनिहार रियासत की थी और भागल की किसने की थी, अजय देव ने की है। 22 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 23 है, विच राज भागल हेल्प द ब्रिटिश इन द रेबिलियन ऑफ 1857 AD। तो भागल के किस राजा ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों की सहायता की थी, तो बताइए भागल के कौन से राजा थे जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी 1857 AD में, जब जो आपका विद्रोह हुआ था 1857 का, राणा सभाचंद, राणा किशन सिंह, राजेंद्र सिंह या अजय देव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है राणा किशन सिंह, ये आपके भागल के राजा थे जिन्होंने 1857 में ब्रिटिशर्स की हेल्प की थी जो आपका विद्रोह हुआ था 1857 का। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। तभी मैंने आपको बोला जब हम सोलन डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे तो उसमें हम बगाड़, भागल की सारी रियासतें आपकी कवर करते हैं और उनके डिफरेंट डिफरेंट राजा के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसे इसमें क्वेश्चन आया कि भागल की जो स्थापना थी पहले किसने की थी, वो अजय देव ने की थी। बाद में अब पूछ रहा है भागल के कौन से राजा थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों की सहायता की थी, वो थे राणा किशन सिंह। तभी जो आपके भागल, बगाड़ ये सारी रियासतें इनके बारे में जो क्वेश्चन है वो आ रहे हैं सोलन डिस्ट्रिक्ट में। अब देखिए हिंडूर, नालगढ़ एंड भागल वेयर जागीर्स ऑफ विच स्टेट इन द पास्ट। अभी मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था हिंडूर किसके अंडर आती थी, ये आपकी बिलासपुर यानी कहलूर के अंडर आती थी। तो सिंपली अगर आपको ये भी याद होता हिंडूर किसके अंडर आती थी, बिलासपुर के, क्योंकि बिलासपुर के राजा थे कालचंद, उन्हीं के बेटे अजीत चंद ने जो है हिंडूर रियासत की स्थापना की थी, इसलिए हिंडूर रियासत बिलासपुर के अंडर आती थी। तो इसमें क्वेश्चन में भी पूछा है हिंडूर और भागल किसके अंडर आती थी, तो ये बिलासपुर यानी कहलूर के अंडर आती थी। 25 देखिए, वेयर डिड द टिम्बर ट्रेल एक्सीडेंट हैपन। तो एक टिम्बर ट्रेल दुर्घटना हुई थी, कहाँ पर हुई थी, पोंटा साहिब में, मंडी में, परमाणु के निकट या शिमला नगर के निकट। तो ये हुई थी परमाणु के निकट, ठीक है, परमाणु जो है इसके निकट जो है टिम्बर ट्रेल एक्सीडेंट ये आपका हुआ था। 25 का राइट आंसर ऑप्शन सी है, कुछ शायद 1992 में हुआ था ये। 25 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 26 है, विथ हुम इज द फेमस अनीस विला बिल्डिंग लोकेटेड इन सोलन रिलेटेड। तो सोलन स्थित सुप्रसिद्ध अनीस विला जो है भवन, उसका संबंध किससे है, सलमान रशूदी से, मीरा नायर से, बाबा कांसीराम से या प्रियंका गांधी से। तो बताइए जो आपका अनीस विला है ये किससे रिलेटेड है। तो 26 का जो राइट आंसर है वो क्या है, वो है सलमान रशूदी। तो जो आपके सलमान रशूदी थे ये कौन थे, एक नोवलिस्ट थे, बहुत ही पॉपुलर नोवलिस्ट थे, इनसे जो है अनीस विला जो है भवन ये रिलेटेड है, इन्हीं का भवन था ये। तो सोलन सलमान रशूदी का जो अनीस विला ये भवन इन्हीं का था, तो ये किससे रिलेटेड है, सलमान रशूदी से। नेक्स्ट है 27, वेयर वॉज द समर कैपिटल ऑफ द महाराजा ऑफ पटियाला लोकेटेड बिफोर इंडिपेंडेंस। तो स्वतंत्रता से पूर्व पटियाला के महाराजा की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ पर स्थित थी, तो कहाँ पर थी, शिमला में, नालदेहरा में, मशोबरा में, चायल में। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका जो राइट आंसर है वो है चायल। तो चायल किसकी जो है समर कैपिटल थी, वो थी महाराजा ऑफ पटियाला की समर कैपिटल थी। और चायल में क्या है, यहाँ पर एक हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड भी है वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड कहाँ है, ये चायल में ही है, सोलन के चायल में। और ये जो चायल थी ये समर कैपिटल भी थी महाराजा ऑफ पटियाला की। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन डी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 28 है, व्हेन डिड महात्मा गांधी विजिट धर्मपुर एंड गिव अ स्पीच। तो महात्मा गांधी ने कब धर्मपुर का भ्रमण किया और भाषण दिया। तो वैसे तो महात्मा गांधी सबसे पहले ये बार हिमाचल कब आए थे, 1921 में आए थे, शिमला आए थे और शिमला में जो है शांति कुटीर में रुके थे। अब इसमें पूछा है कि जो धर्मपुर है यहाँ पर कब आए थे, तो बताइए सोलन का जो धर्मपुर है यहाँ पर कब आए थे, 1938 में, 1939 में, 1940 में, 1941 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, वो है 1939। तो सोलन का जो धर्मपुर है यहाँ पर महात्मा गांधी 1939 में आए थे। 28 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 29 है, एट विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश इज द वुमेन्स पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट। तो हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर महिला पॉलिटेक्निक संस्थान है, तो बताइए कहाँ पर है, सोलन में है, शिमला में, कंडाघाट में या हमीरपुर में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कंडाघाट में। तो कंडाघाट में आपका वुमेन्स पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट है। 29 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 30 है, विच सिटी इज नोन एज खुम नगरी। तो किस शहर को खुम नगरी के नाम से जाना जाता है, तो बताइए किससे जाना जाता है, सोलन को, शिमला को, कंडाघाट को या हमीरपुर को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सोलन डिस्ट्रिक्ट। तो सोलन डिस्ट्रिक्ट को खुम नगरी के नाम से भी जाना जाता है। 30 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 31 है,
व्हाट आर द असेंबली सीट्स इन सोलन, जो सोलन जिले में विधानसभा की सीटें हैं कितनी सीटें हैं, 4 है, 5 है, 6 है, 13 है। सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें कांगड़ा में है, ये आपको पता होनी चाहिए। अब इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है सोलन में कितनी है, टोटल हिमाचल प्रदेश में कितनी है, 68 है। अब सोलन में कितनी है, सोलन में जो है वह 5 सीटें हैं, तो विधानसभा की 5 सीटें हैं सोलन में। 31 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगर आप हिमाचल प्रदेश में ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हो, यानी जो है लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हो, तो आप हमसे लाइव क्लासेस भी ले सकते हो। 7018186561 इस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर देना लाइव क्लासेस लिख के, मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स दे दूंगा। 5 से 10 इवनिंग में हमारी लाइव क्लासेस होती है, हिमाचल जीके, इंडिया जीके, हिंदी इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, हर एक सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं। डेली लाइव क्लासेस होते हैं और वो डेली आपको रिकॉर्डेड मिल जाती है। बाकी स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, सारा जो है कोर्स में इंक्लूडेड होता है। तो अगर आपको एग्जाम को तैयारी में जो है कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमसे कोचिंग ले सकते हो। पिछले कई सालों में हमारे डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स हिमाचल के डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स भी क्वालिफाई कर चुके हैं। अगर आप भी तैयारी अपनी और स्टूडेंट्स से बेहतर करना चाहते हैं, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करना, बाकी डिटेल्स आपको यहां पर मिल जाएगी। बाकी क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं, कुछ ही क्वेश्चन हमारे रह गए हैं सोलन डिस्ट्रिक्ट के। व्हेन वाज सोलन डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, तो जो सोलन डिस्ट्रिक्ट है वो कब बनती है, वो बनती है 1972 में। अब इसकी भी कंप्लीट हिस्ट्री है, जब हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया 15 अप्रैल 1948 को, तब सोलन डिस्ट्रिक्ट नहीं होती, तब 4 डिस्ट्रिक्ट होती है। जो सोलन डिस्ट्रिक्ट होती है, सोलन और आरकी होती है, वो आपकी क्या होती है, वो तहसील होती है। किसकी, महासू की। तो महासू एक डिस्ट्रिक्ट होती है, उसके अंदर आते हैं सोलन और अर्की तहसील। तो सोलन और अर्की तहसील उस टाइम एग्जिस्टेंस में आती है महासू की तहसील के टाइप में। फिर 1966 में पंजाब की जो एरिया है, जैसे मैंने आपको बताया कंडा, घाट, नालागढ़, इन्हें जो है हिमाचल प्रदेश में मिलाया जाता है। तो बाद में 1972 में जाके जो है सोलन डिस्ट्रिक्ट को अलग बनाया जाता है। जो महासू डिस्ट्रिक्ट होती है उसे तोड़ा जाता है, एक डिस्ट्रिक्ट शिमला बनती है और एक सोलन बनती है। तो महासू डिस्ट्रिक्ट जो 15 अप्रैल 1948 को एग्जिस्टेंस में आती है, 1972 में उसे दो टुकड़ों में बांट के जो है शिमला और सोलन दो डिस्ट्रिक्ट बनाई जाती हैं। तो ये हिस्ट्री है, जब आप पढ़ोगे, जब मैं आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे रखा है, वहाँ पर मैंने सारी कंप्लीट चीज़ें आपको बता रखी हैं, तब आपको चीज़ें समझने में आसान भी हो जाएगा और चीज़ें लंबे टाइम तक याद भी रहेगी, क्योंकि आपने एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जो है एक कहानी की तरह चीज़ें समझी होगी। अब देखिए सोलन का एरिया कितना है, तो सोलन का एरिया आपको बताना है। 33 का राइट आंसर क्या है, 33 का जो राइट आंसर है वो 1936। तो हमीरपुर का एरिया सबसे कम है, 118,118। तो हमीरपुर का याद रखना है। बाकी और डिस्ट्रिक्ट का पूछते तो नहीं है, जो सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट होती है, छोटी इनका पूछते हैं। बाकी अगर HAS टाइप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो मैचिंग टाइप मिल जाएगा कि हाँ आपको 4 डिस्ट्रिक्ट बोल देगा, 4 एरिया बता देगा, आपको मैच करने होंगे कौन सी डिस्ट्रिक्ट का कौन सा एरिया है, तब ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। वैसे जनरली ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। 34 है, व्हाट वाज द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ सोलन डिस्ट्रिक्ट इन 2011। अब जनसंख्या वृद्धि दर बतानी है 2011 की आपको सोलन की। तो 2001 से लेकर 2011 तक जनसंख्या की कितनी वृद्धि हुई सोलन डिस्ट्रिक्ट में। 34 का जो राइट आंसर है वो है 15.93%। अब ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में रेयरली आपसे पूछेंगे। अब जो ऊना डिस्ट्रिक्ट है उसका सबसे ज़्यादा है, 16 है, तो ऊना का पूछ सकते हैं, क्योंकि उसका सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या वृद्धि दर था। और डिस्ट्रिक्ट का नहीं पूछते, क्योंकि इतनी सारी डिस्ट्रिक्ट है, अगर सबका ऐसे याद करने लगे तो याद ही नहीं होंगे, क्योंकि इतने पॉइंट में आंकड़े होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में वैसे ही तो आमतौर पर नहीं आते। 35 है, व्हाट वाज द सेक्स रेशियो ऑफ सोलन डिस्ट्रिक्ट इन 2011। अब आपको लिंग अनुपात बताना है सोलन डिस्ट्रिक्ट का, तो इसका राइट आंसर 880 है। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, बस ऐसे आ सकते हैं मैच द फॉलोइंग, जनरली ऐसे नहीं आते, बस एक आइडिया होना चाहिए आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आपको नहीं पूछेंगे। तो ये आपके सोलन डिस्ट्रिक्ट के सारे इंपॉर्टेंट MCQ थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी मैं आपसे अगली क्लास में लूँगा, और ऐसी ही मैंने हिमाचल जीके के सभी टॉपिक वाइज जो है MCQ बना रखे, हमारे चैनल पर चल जाना, HPGK MCQ सीरीज करके आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। सोलन, मंडी, बिलासपुर, हर एक डिस्ट्रिक्ट की जो आपको MCQ मिल जाएंगे, चाहे लेक्स हो, रिवर्स हो, हर एक टॉपिक के MCQ मिल जाएंगे। कुछ 5,000 से भी ज़्यादा MCQ में अटैम्प्ट करना हो, अगर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो उनके बाहर नहीं आने वाला, तो उस प्लेलिस्ट को जरूर देखना। बाकी मैं आपसे अगली क्लास में मिलूंगा, तब तक के लिए शब्बक है, थैंक यू। हिमाचल में सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर महीने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को फीस भी देते हो, फिर भी कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा, तो अपना पैसा और समय बर्बाद मत करो। हमने यानी HP एग्जाम फेयर्स ने इन्फिनिटी बैचेस स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें हम स्टूडेंट्स को तब तक पढ़ाते हैं जब तक कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई ना कर ले। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना, जब तक आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, पुलिस, पटवारी, क्लर्क, JIT जैसा एग्जाम क्वालिफाई ना कर लो, हम आपको तब तक लाइफ टाइम कोचिंग देंगे, वो भी बिल्कुल मिनिमम फीस के साथ। कोर्स में आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेगी जूम ऐप के थ्रू, जिसमें आप अपना माइक ऑन करके लाइव क्लासेस में ही टीचर से डाउट पूछ सकते हैं। साथ ही 200 प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर, जिसमें हमने एग्जाम का सारा सिलेबस कवर कर रखा है, सभी एग्जाम का कंप्लीट स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर और भी बहुत कुछ। हमारे टीचर्स आपको एग्जाम स्पेसिफिक अप्रोच के साथ एग्जाम को क्रैक करने की सही स्ट्रैटेजी बताएंगे। कोर्स की डिटेल्स के लिए या बैच ज्वाइन करने के लिए 8628962800 पर अभी व्हाट्सएप करें।